वीडियो में बात करेंगे 64th BPSC मेंस की तैयारी शुरू कैसे करें। अभी भी कुछ लोग द्वंद में हैं, कुछ लोग रिजल्ट को लेकर द्वंद में हैं, तो उसका तो सोल्यूशन नहीं है, वो तो रिजल्ट जब आएगा तभी पता चलेगा। लेकिन कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि आखिर स्टार्ट कहां से करें, मेंस की तैयारी शुरू कहां से करें। सबसे बड़ी समस्या वो आ रही है जिसको वो स्टार्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो जो स्टार्ट नहीं कर पा रहे हैं उनके लिए मेरी तरफ से मैसेज ये है कि आप लोग कोई भी एक सब्जेक्ट जो आपके इंटरेस्ट का हो, जो आपके पसंद का हो, जो आपके लिए बहुत आसान हो, जिसको बहुत आसानी से आप कवर कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, समझ सकते हैं, जिसको स्टार्ट करने में मतलब उस सब्जेक्ट को लेकर पढ़ाई शुरू करने में आपको कोई भी तकलीफ ना हो, मेंटल स्ट्रेस ना हो, अब क्लियर हो गया होगा कम से कम, तो उसके साथ आप बीपीएससी की तैयारी स्टार्ट करें। पहली बात कि तैयारी स्टार्ट करें, वो कोई भी सब्जेक्ट हो नहीं फर्क पड़ता है। मैथ के स्टूडेंट है, स्टैट्स स्टार्ट कर दीजिए, सांख्यिकी से कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। हिस्ट्री के हिस्ट्री से कर लीजिए, ज्योग्राफी के ज्योग्राफी से कर लीजिए, जिससे भी लॉ के हैं पॉलिटिकल साइंस से कर लीजिए, तो जिससे भी कर लो आप स्टार्ट करो कम से कम बीपीएससी की तैयारी। पहला कि आप लोग स्टार्ट करें तैयारी। दूसरा कि तैयारी स्टार्ट करें तो उसके लिए आपके पास बुक्स कौन कौन सी होनी चाहिए। देखिए अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो या तो जो प्री में जो प्री के मोड में ही है, प्री के मोड में ही है, या तो लुसेंट है उनके पास, या इस तरह की कोई वन लाइनर बुक्स है और करेंट अफेयर्स है, इसी के साथ तैयारी करना चाहते हैं। क्योंकि 5-6 कॉल्स कल मुझे आई है और मीन्स उनको देना है, अच्छा स्कोर है प्री में, बट उनके पास अभी भी लुसेंट है और करेंट अफेयर्स है और सिलेबस का भी अंदाजा नहीं है। तो ये बहुत ही मतलब विडंबना है एक तरह से कि वो लोग प्री निकाल रहे हैं, प्री में कंपटीशन हल्का कर देंगे। तो जिनका ठीक ठाक है वो लोग अच्छे से तैयारी करें, पहली बात। दूसरी बात क्या करो, जब आप लोग स्टार्ट करें तो प्रीवियस ईयर का पेपर जरूर देख लें। पहले प्रीवियस ईयर का पेपर देखे उस सब्जेक्ट का, सबका नहीं देखे, सबका देखोगे तो फिर दिमाग चौक हो जाएगा और आप लोग फिर से अच्छे से उसको रिदम में नहीं आ पाओगे। रिदम में आने के लिए जिनका भी जो सब्जेक्ट है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, जो भी है, उससे रिलेटेड ही क्वेश्चंस देखें, उसके अकॉर्डिंग पढ़ाई स्टार्ट करें। और जब उस टॉपिक को आप लोग पढ़ लें तो एक बार आंसर राइटिंग करें, क्योंकि आपका जो भी ज्ञान है, जो भी आपकी नॉलेज है उस सब्जेक्ट को लेके, आप जितना कुछ समझ रहे हो उस सब्जेक्ट को लेके, क्या उसको आप अपने आंसर में उतार पा रहे हो कि नहीं, ये सबसे ज्यादा मायने रखता है। आंसर में अगर आपने उसको नहीं उतारा और आपके पास सारे फैक्ट है, सारे कॉन्सेप्ट है आपके पास, तो एग्जाम जो चेक कर रहा होगा कॉपी आपके, उसके पास आप बैठ के तो बताओगे नहीं कि मैं इसके बारे में ये चीज जानता हूं, क्योंकि वो तो कॉपी पे ही देखेगा कि आप क्या क्या जानते हैं और आपकी समझ जो है वो कैसी है, वो आपके कॉपी पर देखेगा। तो सिंपल सी बात है कि आपको अपने सारे ज्ञान को क्रमबद्ध रूप से, बिल्कुल सीक्वेंस में, तार्किक रूप से, एक फ्लो में आंसर को उतारना पड़ेगा। तो इसका सबसे अच्छा तरीका है कि आपका जो पसंदीदा सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट के साथ स्टार्ट करें, जो सिंपल टॉपिक लगे उसके साथ स्टार्ट करें, उससे रिलेटेड क्वेश्चन प्रीवियस ईयर, इधर उधर मत भटको, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाओ और उसको आंसर करो। अगर तब लगता है कि आपका आंसर सही दिशा में जा रहा है, आपने सही जो आप चाहते थे उसको आपने लिख दिया, तो ठीक है, नहीं लिखा काट दीजिए, उसी समय उसको क्रॉस करेंगे, पेज को फेंक दो डस्टबिन में, पेज को आप लोग डस्टबिन में फेंक दो और फिर से उसको लिखो। जब तक लिखिए जब तक आप सेटिस्फाइड ना हो जाए कि आपका जो आंसर है वो सही है, तब तक आप लोग उस आंसर को लिखते रहे। ये सबसे ज्यादा जरूरी है करना, क्योंकि आपके अभी बारिश हो रही है बाहर, मौसम बहुत ही अच्छा है, तो सबसे ज्यादा जरूरी है, सबसे अहम यही है कि आप स्टार्ट करें आसान सब्जेक्ट से, उसके बाद एक एक टॉपिक को खत्म करते जाएं जो आपके स्टार्टिंग में सबसे आसान आपको लगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन लिखे। जब आपको लगता है परफेक्ट आंसर लिख दिए, तब आप अगले टॉपिक में जाएं और एक साथ कम से कम दो सब्जेक्ट को लेकर चले। एक सब्जेक्ट लेके चलोगे तो बोरिंग हो जाएगा, अगर आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो आपके लिए बोरिंग हो जाएगा, ज्योग्राफी के साथ हिस्ट्री रख लीजिए, पॉलिटिक्स, जो भी आपको लगता हो कंफर्ट जोन में, तो दो सब्जेक्ट आप लोग लेके चले और उसको अच्छे से तैयार करें और धीरे धीरे इसी तरह से आप अपनी जो तैयारी है मेंस की उसको आगे बढ़ाएं। ये कहना था उन लोगों के लिए जो लोग मुझसे ये जानना चाह रहे थे, जिन्होंने मैसेज किया या कॉल किया, उनके लिए है ये मैसेज कि आप इस तरह से तैयारी शुरू कर सकते हैं। बुक्स, कुछ बुक्स होनी जरूरी है, वो भी सुन लो। बुक्स क्या होनी चाहिए हिस्ट्री के लिए, आपके पास राजीव अहिर की किताब, स्पेक्ट्रम की राजीव अहिर की बहुत अच्छी किताब वो होनी चाहिए, एक बिपिन चंद्रा ले लो, एसके पांडे की किताब ले लो, तीन किताब। ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटी जरूर पढ़े, मेंस के लिए एनसीईआरटी जरूर पढ़े, 9th, 11th और 12th,
एनसीईआरटी जरूर पढ़े और बारिश बहुत तेज, एनसीईआरटी जरूर पढ़े, उसके अलावा महेश बनवाल की किताब ले लीजिए या माजिद हुसैन की किताब आप ले सकते हैं, या माजिद हुसैन की किताब भी अच्छी है। एम लक्ष्मीकांत की पॉलिटी हो गई, इकोनॉमिक्स के लिए रमेश सिंह की जो टीम एच की किताब आती है वो आप ले लो, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन होंगे तो वहां पे आपके पास कंटेंट ज्यादा होनी चाहिए। एक बिहार के लिए भी कोई ले लीजिए लोकल, और स्टैट के लिए 11th की एनसीईआरटी प्लस प्रैक्टिस सेट बुक, इन सब के साथ अपनी तैयारी को आप स्टार्ट करें। और कोई सवाल हो तो नीचे करें, और अब कोशिश ये होगी कि सप्ताह में 2 वीडियो आपके सवालों का जवाब देते हुए मैं बनाऊं। आपके जो भी सवाल होंगे वो सवाल के अकॉर्डिंग मैं वीडियो अपलोड करूंगा। अच्छा, वो क्यों और कैसे वो अगले वीडियो में मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। तो इसी तरह से आप लोग स्टार्ट करो, और ये एक अच्छा तरीका है अपने आप को रिदम में लाने का एग्जामिनेशन के लिए। यही कहना था आपसे, और आप स्टार्ट करें। ऑल द बेस्ट।